तो जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तो क्रू मेंबर्स ने अपनी जान बचाने के लिए गनशॉट लगाए और जो लोग उस पर उपस्थित थे वो लोग भी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और ये सब आवाजें सुन रहा था वहां से 9 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ एक जहाज। उस जहाज पर उपस्थित हर आदमी ये आवाजें सुन रहा था फिर भी उन लोगों की मदद करने आगे नहीं आया क्योंकि उस जहाज पर उपस्थित हर आदमी स्मगलर था जो कि समुद्र की रेयर स्पीसीज को शिकार कर उन्हें बेचने के लिए आया था। तो उन लोगों ने सोचा कि कोई मरता है तो मरने दो, अपने को तो बस पैसा बनाना है, तो वो लोग उन्हें बचाने नहीं गए। वहीं से 18 किलोमीटर की दूरी पर कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज था, वो लोग भी इन आवाजों को सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा हम लोग बचाने तो जाएंगे लेकिन अभी नहीं जाएंगे, रात को हम लोग सुबह बचाने जाएंगे। और जब वो सुबह उन्हें बचाने गए तब तक 4 घंटे हो चुके थे टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए। वहीं से 68 किलोमीटर की दूरी पर कैथरीन नाम का एक और जहाज था जो कि उल्टी दिशा में जा रहा था। जब उन लोगों ने ये आवाजें सुनी तो वो लोग उसी समय रात को वापस लौट कर आए और जब तक वो लोग उन्हें बचाने पहुंचे तब तक 1500 लोगों की जान जा चुकी थी, फिर भी उन लोगों ने 700 लोगों को बचा लिया था। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि जो उन पहले दोनों जहाजों ने किया क्या उनका ये करना सही था। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी। तो क्या आप लोगों को पता है कि सिंगापुर के अंदर एक भी कचरे का डिब्बा नहीं है क्योंकि ये लोग शहर में कचरा होने ही नहीं देते। ये हर रोज कचरा इकट्ठा करते हैं और उसे लेकर जाते हैं शहर से बाहर एक फैक्ट्री में जहां पर ले जाकर उस कचरे को जला दिया जाता है। और उस फैक्ट्री के अंदर जिस भट्टी में उस कचरे को जलाया जाता है वो भट्टी कभी भी बंद नहीं होती है, वो 7 दिन 365 दिन चलती ही रहती है। उसके बाद इस कचरे के जलने पर जो हीट बनती है उससे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जो कि पूरी कंट्री के अंदर सप्लाई की जाती है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में 2 सवाल आएंगे, पहला कि जो कचरा जलाने पर धुआं निकलता है उसका क्या होता है, और दूसरा कचरा जलाने पर जो राख बनती है उसका क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कचरा जलाने पर जो धुआं निकलता है उसे ये जिस चिमनी से बाहर निकालते हैं उसके अंदर एयर प्योरीफायर लगा होता है जो कि धुएं को बाहर निकलने से पहले ही प्योर कर देता है। और अगर बात करें कचरा जलाने पर बनने वाली राख की तो ये उस राख को ऐसे मेनमेड तालाब के अंदर डालते हैं जो कि समुद्र से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है जिससे कि समुद्री लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से सिंगापुर अपने शहर की बिजली आपूर्ति को भी पूरा कर देता है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर होनी चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करके चैनल। दुबई एक ऐसा देश जहां पर हर कोई घूमने जाना चाहता है। अब दुबई है भारत से बहुत दूर और इतनी दूर हम सिर्फ प्लेन से ही जा सकते हैं क्योंकि दुबई से भारत तक कोई ट्रेन तो चलती नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई से भारत तक एक ट्रेन चलने वाली है, वो भी कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं बल्कि हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन। तो भैया दुबई के प्रिंस दुबई से मुंबई तक एक 2000 किलोमीटर की अंडर वाटर टनल बना रहे हैं जिसमें दुबई से मुंबई तक एक हाई स्पीड ट्रेन निकलेगी। और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब पहले से ही दुबई तक प्लेन जाते हैं तो दुबई इतना खर्चा करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों चला रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दुबई इस अंडर वाटर टनल में 2 पाइपलाइन लगाएगा जिसमें एक पाइपलाइन में तेल दुबई से भारत आएगा और दूसरी पाइपलाइन में भारत से पीने का पानी दुबई जाएगा। और साथ ही लोग अंडर वाटर ट्रेन का मजा ले पाएंगे और समुद्री दुनिया को नीचे से देख पाएंगे जिससे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ये ट्रेन चल पाएगी या फिर नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।